इस वीडियो में मिश्रण से VVI प्रश्न को डिस्कस करने वाला हूं। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले प्रश्न को अच्छा से समझ लेना है। पहला नंबर प्रश्न है, इसमें क्या बोल रहा है, एक व्यापारी के पास 1000 किलोग्राम चीनी है, इसके कुछ भाग को वह 8% लाभ पर तथा शेष भाग को 18% लाभ पर बेच देता है, इससे उसे कुल चीनी पर 14% लाभ होता है, 18% लाभ पर कितनी चीनी बेची गई। एक बार प्रश्न को अच्छा से समझना है। अगर प्रश्न समझ में आ गया तो बहुत ही आसान तरीके से सॉल्व हो जाएगा। कैसे सॉल्व करना है समझने का कोशिश कीजिएगा। तो इसमें क्या बोला है, एक व्यापारी के पास 1000 किलोग्राम चीनी है, इसके कुछ भाग को वह 8% लाभ पर तथा शेष भाग को 18% लाभ पर बेच देता है। तो कुछ भाग को 8% लाभ पर बेचता है और शेष भाग को 18% लाभ पर बेचता है। तो सबसे पहले आपको इस तरीके से लिख लेना है, इसके बाद आपको इस तरीके से बनाना है और इस तरीके से बनाना जरूरी है। अब आपको क्या करना है, तो इसमें क्या बोल रहा है, इससे उसे कुल चीनी पर 14% लाभ होता है, तो यहां पर आपको 14% रख लेना है। अब क्या करना है समझने का प्रयास कीजिएगा। तो इस लाइन में क्या करना है, बड़ा में से छोटा को घटाना है। तो बड़ा कौन है, 14, और छोटा ये है, तो 14 में 8 घटाएंगे तो कितना आएगा, यानी कि 6 आएगा। अब आपको क्या करना है, इस लाइन में भी आपको क्या करना है, बड़ा में छोटा को घटाना है। तो बड़ा ये है और छोटा ये है, तो 18 में 14 घटाएंगे तो कितना आएगा, यानी कि 4 आएगा। और यहां पर आपको अनुपात में रखना है। अब यहां पर आपको समझना है, अगर अनुपात में कुछ कॉमन है तो कॉमन को हटा देना है। तो 2 कॉमन है तो 2 × 4 और 2 × 3 = 6, यानी कि इतना होगा। अब आपको समझना है, ये जो अनुपात आया है, क्या चीज का अनुपात आया है, ये आपको समझना होगा। अब यहां पर आपको समझना है, 8% लाभ पर बेचा गया चीनी का मात्रा और 18% लाभ पर बेचा गया चीनी का मात्रा का ये अनुपात है। फिर से एक बार समझना है, तो 8% लाभ पर बेचा गया चीनी का मात्रा कितना है, 2 है अनुपात में, और 18% लाभ पर बेचा गया चीनी का मात्रा कितना है अनुपात में, 3 है। तो अनुपात में मालूम है मात्रा और टोटल मात्रा दिया हुआ है 1000 किलोग्राम। तो अब आपको क्या निकालना है, इसमें क्या बोला है, 18% लाभ पर कितनी चीनी बेची गई। अब आपको क्या करना है, तो टोटल चीनी मालूम है और यहां पर अनुपात मालूम है, तो क्या करेंगे, टोटल चीनी कितना है, 1000 किलोग्राम है, तो टोटल चीनी रखेंगे। अब क्या करेंगे, अनुपात में जो संख्या है उसको जोड़ के यहां पर रखेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, और जिसका निकालना है उससे यहां पर गुना करेंगे। तो किसका निकालना है, इसमें बोल रहा है, तो इसमें क्या बोला है, 18% लाभ पर कितनी चीनी बेची गई। अब यहां पर आपको समझना है, तो 18% लाभ पर बेचा गया चीनी का मात्रा अनुपात में कितना है, 3 है, तो 3 से आपको यहां पर गुना कर देना है। इसी को कैलकुलेट करेंगे, आंसर आ जाएगा। तो सबसे पहले 5 से काटेंगे, तो 5 × 10 ये कट चुका है और 2 जीरो बैठा देंगे, और 3 से गुना करेंगे तो 3 × 6 और 2 जीरो, यानी कि इतना किलो। अब बिल्कुल समझ में आ गया होगा। अगर कहीं पर समझने में प्रॉब्लम हुआ होगा तो कमेंट में लिख के बताइएगा, मैं फिर से समझाने का प्रयास करूंगा। अगला प्रश्न, दूसरा नंबर, इसमें क्या बोल रहा है, एक व्यापारी के पास 6 क्विंटल चीनी थी, इसमें से उसने कुछ चीनी 7% लाभ पर तथा शेष 17% लाभ पर बेची, सारी चीनी पर यदि उसे कुल 11% लाभ हुआ हो तो उसने 17% लाभ पर कितनी चीनी बेची। सबसे पहले प्रश्न को अच्छा से समझना है। अगर प्रश्न समझ में आ गया तो बहुत ही आसान तरीके से सॉल्व हो जाएगा। तो इसमें क्या बोला है, एक व्यापारी के पास 6 क्विंटल चीनी थी, इसमें से उसने कुछ चीनी 7% लाभ पर तथा शेष को 17% लाभ पर बेची। तो आपको सबसे पहले लिखना है, कुछ चीनी 7% लाभ पर बेचा है और शेष को 17% लाभ पर बेचा है। तो इस तरीके से सबसे पहले आपको लिख लेना है। इसके बाद इस तरीके से आपको सबसे पहले बनाना है। अब क्या करना है, तो इसमें क्या बोला है, सारी चीनी पर यदि उसे कुल 11% लाभ हुआ हो, तो लाभ कितना हुआ है, 11% लाभ हुआ है, तो यहां पर आपको 11 लिख लेना है। इस तरीके से आपको सबसे पहले लिखना है। अब क्या करना है, तो इस लाइन में क्या करना है, बड़ा में से छोटा को घटाना है। तो बड़ा कौन है, ये है, और छोटा ये है, तो 11 में 7 घटाएंगे तो कितना होगा, यानी कि 4 आएगा। अब आपको क्या करना है इस लाइन में,
तो इस लाइन में भी बड़ा में छोटा को घटाएंगे तो बड़ा कौन है, 17 बड़ा है और 11 छोटा है, तो 17 में 11 घटाएंगे तो कितना आएगा, यानी कि 6 आएगा। और यहां पर अनुपात में रखना है, और अनुपात में अगर कुछ कॉमन है तो कॉमन को हटा देना यानी कि काट लेना है, तो 2 × 3 = 6 और 2 × 2 = 4 यानी कि अनुपात में इतना आ गया है। लेकिन सबसे पहले समझना होगा कि ये जो अनुपात आया है क्या चीज का अनुपात आया है। अब यहां पर आपको समझना है 7% लाभ पर बेचा गया चीनी का मात्रा कितना है, तो इतना है अनुपात में, और 17% लाभ पर बेचा गया चीनी का मात्रा कितना है, यानी कि 2 है अनुपात में। यानी कि यहां पर 7% लाभ पर बेचा गया चीनी का मात्रा और 17% लाभ पर बेचा गया चीनी का मात्रा का अनुपात यहां पर है। और इसमें क्या बोला है, उसने 17% लाभ पर कितनी चीनी बेची। अब क्या करेंगे, तो यहां पर अनुपात में मालूम है और टोटल चीनी भी मालूम है, तो टोटल चीनी कितना है, क्विंटल है, टोटल चीनी 6 क्विंटल है। केजी में बदलेंगे तो क्या हो जाएगा, यानी कि यहां पर 2 जीरो बिठा देंगे तो केजी में बदल जाएगा, और बट्टे में क्या करना है, अनुपात में जो संख्या है उसको जोड़ के यहां पर लेना है, तो कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, और गुने में जिसका निकालना है उससे गुना करेंगे, तो किसका निकालना है, 17% लाभ पर कितनी चीनी बेची। अब यहां पर आपको समझना है, तो अनुपात में 2 है, यानी कि 17% लाभ पर कितना चीनी बेचा गया है, तो अनुपात में कितना है, 2 है, तो 2 से गुना कर देंगे, इसी को कैलकुलेट करेंगे, आंसर आ जाएगा। तो सबसे पहले 5 से काटेंगे तो 12 × 25 = 60 हो जाएगा, तो यहां पर देख लीजिए ये कट चुका है और 1 जीरो यहां पर बच गया है। अब क्या करेंगे, गुना करेंगे तो 12 × 2 = 24 और 1 जीरो बिठा देंगे, तो देख लीजिए इतना सही आंसर आ चुका है। तो देख लीजिए कहां पर है, यानी कि ए ऑप्शन सही है, 240 किलोग्राम। तो इस तरीके से आपको एग्जाम में सॉल्व करना है। अगला प्रश्न, तीसरा नंबर, सबसे पहले प्रश्न को अच्छा से समझना है, अगर प्रश्न समझ में आ गया तो बहुत ही आसान तरीके से सॉल्व हो जाएगा। अब इसमें क्या बोल रहा है, एक दुकानदार ने 1000 किलो चावल खरीदा, चावल का एक हिस्सा 10% लाभ पर बेचता है और शेष 20% हानि पर दुकानदार को कुल 5% हानि होती है, 20% हानि में कितनी मात्रा बेचता है। अब यहां पर आपको समझना है, इसमें लाभ और हानि दोनों है। अब यहां पर आपको समझना है, तो क्या बोला है, एक दुकानदार ने 1000 किलो चावल खरीदा, चावल का एक हिस्सा कितना में बेचता है, तो 10% लाभ पर बेचता है, तो इस तरीके से आपको लिखना है। और इसके बाद क्या बोल रहा है, और शेष को 20% हानि पर बेचता है, तो सबसे पहले आपको इस तरीके से लिखना है, लेकिन हानि वाला को माइनस में रखना है और लाभ वाला को प्लस में रखना है, ये ध्यान दीजिएगा, नहीं तो मिस्टेक हो जाएगा। और इस तरीके से सबसे पहले आपको बना लेना है, और इसमें क्या हुआ है, हानि हुआ है या लाभ हुआ है, तो इसमें क्या बोल रहा है, दुकानदार को कुल 5% हानि होती है, तो यहां पर आपको 5% लिख लेना है, लेकिन हानि है तो आपको माइनस में लेके चलना होगा, ये आपको समझना होगा। अब आपको क्या करना है, तो इस लाइन में क्या करेंगे, यानी कि बड़ा में से छोटा को घटाएंगे, तो बड़ा कौन है, यानी कि ये प्लस में है तो ये बड़ा है, यानी कि 10 बड़ा है, तो 10 में क्या करना है, इसको घटाना है, तो घटाव का चिन्ह देंगे, और ये खुद माइनस में है तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, यानी कि इतना हो गया। अब समझने का कोशिश कीजिएगा, तो इस लाइन में क्या करना है, 12 में छोटा को घटाना है। अब यहां पर आपको समझना है, दोनों माइनस में है तो बड़ा कौन होगा, यानी कि जो छोटा संख्या है वही बड़ा होगा, तो -5 में घटाना है किसको, -20 को, तो यहां पर कितना हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, यानी कि +20। अब यहां पर आपको समझना है, तो यहां पर कितना हो गया, यहां पर हो गया 15, और यहां पर मैं एक बार अच्छा से लिख लेता हूं, तो यहां पर कितना हो गया, 15 हो गया, और अनुपात तो रखना है, यहां पर अनुपात का चिन्ह दे दिए, और इधर में कितना हो जाएगा, यानी कि 20 में 5 घट रहा है, तो यहां पर भी आ गया 15। अब यहां पर कॉमन किया है, यानी कि दोनों तरफ 15 15 है, तो काट देंगे, तो 15 × 1 = 15 और इधर भी 15 × 1 = 15, यानी कि अनुपात जो आया है, यानी कि 1:1 है, इसका मतलब आधा आधा बेचा गया है। कहने का मतलब है, उसके पास कितना चावल है, 1000 किलो है, तो 500 किलो 10% लाभ पर बेचा गया है और 500 किलो 20% हानि पर बेचा गया है, क्योंकि यहां पर अनुपात जो आया है 1:1 आया है। एक बार समझ लीजिए, अगर आप इसको निकालना चाहेंगे तो कैसे निकालेंगे, जैसे टोटल कितना है, 1000 है, तो आपको यहां पर 1000 रख देना है, इसके बाद
अनुपात में जो भी संख्या है उसको जोड़ के यहां पर रखना है, तो यहां पर जोड़ के रख देंगे तो कितना होगा, दो होगा, और जिसका निकालना है उसे गुना करेंगे, तो अनुपात में दोनों का तो एक ही है, तो एक से यहां पर गुना कर दीजिए, तो यहां पर देख लीजिए आ गया, दो से काटिए यानी कि दो पचे दस और दो जीरो यानी कि 500, यानी कि 500 किलो। तो देख लीजिए कहां पर है, बहुत ही आसान तरीके से सॉल्व हो गया है, सी ऑप्शन सही है। अगर कहीं पर समझने में प्रॉब्लम हुआ है तो कमेंट में लिख के बताइएगा। और यही प्रश्न था, देखिए ये जो प्रश्न था मैं दिखा देता हूँ, तीसरा नंबर आरआरबी एनटीपीसी में आया हुआ था, तो इस तरह का प्रश्न एग्जाम में आता है। मैं यही कहूँगा कहीं पर समझने में प्रॉब्लम हुआ है तो कमेंट में लिख के बताइएगा, मैं फिर से समझाने का प्रयास करूँगा। आज के लिए इतना ही, जय हिंद, वंदे मातरम।